सच विचारना सच भोजना सच खाना एक गुरु नानक का भोजन सच सुनाई सी सच की हम इस भोजन नु समझण वास्ते गुरु नानक दे जीवन नु समझना बहुत जरूरी। सतगुरु गुरु नानक पातशाह ने 12 साल का व्यापार किया, मदियां भी चारियां खेत भी वाए, 18 साल तक किसानी की करतारपुर की धरती है। और मैं सारे नु कहना कभी भी देखना ध्यान करके कि 45 शहर मेरे गुरु नानक ने 9 जन्मे वसाए, असी एक कलोनी नहीं वसा सके। चलो एक कलोनी समझ लिए RSCF जिहड़ी तुहाडी कोच फैक्ट्री है, इहदे विच भी असी गुरु नानक नूं समझण वास्ते गुरु नानक दी परिभाषा दसण वास्ते कोई मिसाल नहीं कह सकता। गुरु नानक नाल मेरी गल सच सुनना और सच समझना और बदलना अपने इस सिख की फितरत होनी चाहिए। सच सुनन दे आदि नहीं, इस करके असी गुरुद्वारे की थां थाना बनाए। जब असी गुरुद्वारा बनावांगे तो उत्थों इंसाफ होगा, उत्थों आएगी नूं लंगर मिलेगा, आएगी नूं सहारा मिलेगा, किसी बच्चे की पढ़ाई नहीं उन्हें पढ़ाई मिलेगी, किसी नूं आप जी दे हो गए। मैं किंतु नहीं किसी गल से कर रहा, मैं सिर्फ एक गल सुचेत कर रहा कि उत्थे फिर गुरु नानक की रहत मर्यादा लागू है जो पंथ प्रमाणत रहत मर्यादा। मैं सारे वीरां नूं कहना पहले पंथ प्रमाणत रहत मर्यादा ते किंतु ना करो। जे तुसी कहते हो अकाल तख्त का हुक्म मनिया ते अकाल तख्त दे हुक्म वास्ते वो जरूरी है कि उस नूं लागू किया जाए। ते कई कह रहे कि नहीं नहीं उस टाइम किसी ने साइन नहीं किए, जिन्हें देखने सुनने कमेटी तो जाके वो खरड़ा लै सकता जिहड़ा पुराना दर्ज करके पिया होया जिहदे च हर एक उस महापुरुष दे साइन ने कि आ खरड़ा असी प्रवान किया और इस नूं 6 वारी प्रवान किया गया। 32 तो लैके 45 दे विच 6 वारी इसकी अनमेंडमेंट भी हुई है, 7 वारी जिहड़े विद्वान ने वो जानते होंगे, शायद मैं घट बोलिया होते वो भी हो सकता। निचोड़ तां मैं शुरुआत विच एक गल कह रहा कि इस नूं जिहड़ी गल मैं करन जा रहा इस नूं समझण वास्ते अपने अंदर दे विचों उन्हां गल्लां नूं कट दे जिहड़ियां आपने सुनिया सुनाईया रखियां। सुनिया सुनाईया गल्लां करके कई साखियां असी पढ़ी चली जाने और उन्हां नूं गाई चली जाने। दोष नहीं हुंदा ढाडी वीरां दा, दोष नहीं हुंदा प्रचार दा। असी सुनी सुनाई गल ते ज्यादा बिलीव कर, पढ़न ते विचारन ते असी तैयार नहीं। सतगुरु जी ने साडे सामने बड़े सुंदर विचार रखे, तीरथ नावण जाओ, तीरथ नाम है, तीरथ शब्द विचार अंतर। हुण उस तीरथ नूं समझिया और छेवीं कौड़ी वल कदी ध्यान नहीं दिता। तीरथ नावा जे तिस नावा, जे तैनूं चंगा लगा तीरथ नावा फिर नहा। जे गुरु नूं नहाण दे नाल चंगे लगदे आ ते गुरु कोल पुछणा गुरु जी असीं तीरथ नहाए आ तुहानूं चंगे लगे, सतगुरु जी जवाब देणगे जल के मेंढक जल के मंजन जेगा तो वे नित नित मेंढक नावे जैसे मेंढक तैसे ओए नर फिर। हुण गल निर्णा हो गया होगा। हुण गुरु नानक पातशाह दे बचपन नूं जे बड़े गौर दे नाल ध्यान दिओगे, उन्हां ने उसदी बणतर उसदी शुरुआत खालसा सिरजना दी कर दिती। खालसा सिरजना दी हुणे भाई साहब कह रहे सन कि लैंडर पाता, मैं फिर चुप हो गया। मैं क्या हुण की कह रहे ने बेचारे दी सोच उत्ते है। एक्चुअल असल गल की होंदी है, बिल्डिंग बनने तो फाइनल टच दिता जाता है, सब तो कॉस्टली होता है, सब तो कीमती काम गुरु गोबिंद सिंह पातशाह ने भाव गुरु नानक पातशाह ने अपने 10वें जामे विच किया। साडे रहण दा, साडे बैठण दा, साडे ड्राइंग रूम दा, साडे जीवन दा, साडे संस्कारां दा पूरा निचोड़ कढ के साडे सामने रखिया।
ਉਹਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਲੈਣਾ। गुरु नानक पातशाह ने 37 साल 38 साल लाए, बच्चों नूं भी पालिया और आले दुआले प्रचार भी कीता, घर बैठे ने। असीं जद कमाने आ ते कहने आ जी कमा लईए, इकट्ठा कर लईए, नाम जप लांगे। अजे उम्र नहीं है पाठ करन दी, अजे उम्र नहीं है विचारन दी। याद रखना जो 5 साल दी उम्र दा बच्चा याद करदा है ना, उहनूं सारी उम्र याद है। कई मैं बुजुर्ग मिलते हैं कहते हैं खालसा कॉलेज खालसा स्कूल जो नितनेम कराया जाता है, आज भी असि नितनेम करते चले आ रहे। और उस खालसा स्कूल और खालसा कॉलेज की देन है गुरमुख सिंह जी, प्रोफेसर गुरमुख सिंह जी, ज्ञानी गुरदित जी, गुरदित सिंह जी, प्रोफेसर साहब सिंह जी, उन्होंने ही संस्थावां की देन जिन्हों तो हिंदुओं तो सिख बने। और कभी भी अपने पिछले जिस विचारधारा की अपनी कलम नाल गल नहीं कीती, सिर्फ गुरु नानक जी। भगत पूरन सिंह जी जेडे किधर भी नहीं पढ़े, जिन्ना को पढ़े अपने हिसाब नाल बेचारे पढ़े, लेकिन उन्होंने तुहाडी इस लंगर की प्रथा तो सिखी अपना ली। असी लंगर छक के भी नहीं सीखी अपनाई, असी छकड़ तक सीमत। गुरु ने कहा सी गुरु का लंगर गुर शब्द विचार, असी की किराया कि भाई एक कुणका प्रसाद दियो खा लिए ते साडा तारा हो जाएगा। नाम जपण तो बाद विचार तो बाद इस संगत का भोजन इस करके बनाया गया सी कि साडे अंदरों जात पात खत्म होवे, ऊंच नीच खत्म होवे। सानू घर जाके लंगर ना पकाना पवे, गुरु की गल नू बैठ के सुनिए, लेकिन साडा ध्यान है कि लंगर कद शुरू होएगा जाके बह दीजिए। मीनू की है, कई तो पहले मीनू पीते भाई साहब आज लंगर की बनाना, कहोगे ना कि लाला प्रसाद है फिर तो कोई फायदा ते घरे मिल जाए। देखो पूड़ियां बननियां, जलेबियां बननियां, कूड़े बनने, खीर बननी है, ते फिर अजकल चौमिन भी ते पिज्जा भी खवाया जा रहा। जी ये लिस्ट आ जाए हाँ जी फिर तो ठीक है। किस किस टाइम की होगी ते आपा सारे तैयार होके उस टाइम आके अंदर खा के आगे बह के फिर बाहर चले गए। आओ साडा भोजन बदल गया, साडा जीवन बदल गया, दिशा भी बदली, दशा भी बदली। दिशा बदलेगी, दशा बदल गई। एक ऐड आंदी सी मैं रोज सुनता, मैं कहना देखो गुरु नानक की गल नूं के अपना के अपनी पोलिटिकल ऐड कर रहे। हुण असीं दिशा बदलीए ते दशा बदलीए, हुण अपनी दशा बदली जिहदे नाल दिशा बदली। अज शुरुआत करिए, अज गुरु नानक दी गल नूं समझण दी कोशिश करिए। आए आ कुछ झोली च पा के लै जाइए, कुछ विचार के जाइए कि अज गुरु नूं की देना है ते गुरु तों की लैणा है। हुंदा ना साडे मां बाप दा जन्मदिन आवे ते कुछ जन्मदिन वास्ते अपने पिता नूं गिफ्ट देण जाने हैं कि साढ़े पिता का साड़ी माता बुजुर्ग हो गई, इन्हों का जन्मदिन है, इन्होंने कुछ देना है। ते फिर साड़ी तमन्ना होती है कि साडू प्यो अपने जन्मदिन ते की देगा। दो गल्लां जुड़ियां होती हैं इन्हां दुनियावी दो गल्लां नाल जोड़ना कि अज तुसी प्रकाश दिहाड़े ते आए हो, अज तुसी की गुरु नूं देण लगे हो ते तुहानूं गुरु की देगा। ये दोनों गल्लां अज आप निर्णय करके जाणो, विचार के जाणो। गुरु नानक पातशाह दे इस 37 साल की उम्र च उदासी वही नदी दी। मैं भी इहदे विच चक्कर च नहीं पैंदा वो कित्थे गए, निरंकार कोल गए कित्थे गए, इन्हां चक्करां दी भी लोड़ नहीं। आपां नूं गुरु दी गल बहुती फलोरन दी लोड़ नहीं हुंदी, गुरु जाणदा मैं की कर रहा ते की करना, कित्थे जाणा ते कित्थे आणा। जे बाणी उहनां ने उस टाइम मूल मंत्र उत्थों लियाणा हुंदा ते पहली जिहड़ी बाणी उचारण कीती उह फिर पांधे वाली बाणी अज भी दर्ज है, तो फिर उसनू की समझाएंगे। जनेऊ का जिहड़ा आसा की वार दे अंदर गल कीती जिहदे विच इह पुछिया कि भाई पंडित जी सानू इह जवाब दिओ कि जिहड़ा जनेऊ तुसीं पा रहे हो इह ते इहनू मैल लगेगी, इह ते टुट जाएगा। इह 9 साल की उम्र च ही होया सी ते अज उह शब्द पढ़ रहे हां। ते फिर इह कह दईए कि ओ वही नदी तू जाके निरंकार दे देश नू जाके जपजी साहब की बाणी या मूल मंत्र लैके आए ते फिर ओ गुरु नानक दे जन्म दा प्रकाश ना होया, फिर ते प्रकाश वही नदी तू होया।
गुरु गल बदल दी गुरु की कितना होगी किस तरह निर्णय निकलेगा विचारना मैं नहीं कह रहा कुछ मैं कह रहा कि सच ही है तुम भी विचारना बैठ के दया कपा संतोख सूत जत गंडी सत वक्त एह जने जी का है पांडे हम इस शब्द को पढ़ने तो बाद फिर मन में घंटी बजती है कि नहीं किधरे ना किधरे किसी को गलती होगी सोचने से सोचना पड़ता विचारांगे तो पता लग जाएगा। हम गुरु नानक पातशाह ने यह समझ लिया कि धरत की लुकाई जी जल रही है बल रही है हम जलन का दी कोई अग नहीं लगी हुई घर मकाना अग नहीं लगी सी धरती अग नहीं लगी सी देशों के अग नहीं लगी सी लेकिन अग लगी सी असीं भी जानते हैं अज भी अग लगी। मैनू कई सवाल लोग करते हैं वीर जी तुसी जो करन जा रहे हो ये किस तरह करोगे तुसी कल्ले हो तुहाडे नाल 11 जिहड़े सिंह ने वह भी पूरी तरह गुरसिख नहीं कह सकते क्योंकि अजे अमृतधारी हुए ने बाणी पढ़ते ने पाठी सिंह ने सवाल करते होने चाहिए चंगी गल पूछना चाहिए जो करन जा रहे हैं की करन जा रहे हैं। मैं फिर उन्होंने एको जवाब दिता मेरे वीरो एक मकान च अग लगी है 4000 बंदा देख रहे मैं बाल्टी लई है मैं अपना काम शुरू कर दिता अग बुझाने का ते लोगों ने मैं पूछा तू पागल है इस मकान की अग बुझ सकती है फायर ब्रिगेड की इंतजार कर ते मैं उन्होंने कहना भाई मेरे को जिनी बुझेगी मैं बुझावगा तुम्हें चंगा लगता तुम भी आओ 4000 बंदे ने फायर ब्रिगेड के आने तो पहला ही अग बुझा दी हूँ असं उड़ीक करते हैं साडा लीडर साडे जथेदार साडे प्रचारक ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵਿਚਾਰੇ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਭੁੱਖਿਆ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਖੜੇ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਬਾਣੀ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਢਾਲਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕੋ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਔਰ ਬੜਾ ਕਮਾਲ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਸਿੰਪਲ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਤੋਂ ਝਾਤੀ ਮਾਰਨਾ ਜਦ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਨਾਸ਼ਤਾ ਟਿਫਨ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਵੇਲੇ उस बच्चे ने कभी पूछा बेटा पांच पौड़ियां का पाठ किया ही जब भी सर जे तुसी पूछे ही नहीं तो करेगा क्या तुसी दुनियावी पढ़ाई लिए चिंता है बच्चा रोंदा है बिलखता है चक के मां पांदी है जेड़ा कि वो जब स्कूल तो आ जाए बच्चा रोए तो मां कितना चिंता करती है मामा बैठी है कितनी फिक्र होगी कि बच्चा क्यों होया हाय इन पेट ही दर्द है हाय नहीं इन्हें रोटी नहीं खाधी हाय नहीं भैने कुछ खाता नहीं सुकड़ा हो गया मन और आत्मा सोकड़ा हो गया चिंता नहीं किसी मां मन और आत्मा खुराक नहीं दिती नाम दे भोजन की मैं जिक्र कर रहा कि इस दुख नुका के देखिए तो समझ आएगी किस तरह अत सुंदर कुलीन चतुर मुख ज्ञानी तनवंत मृतक कहिए नानका चह प्रीत नहीं भगवंत असि मृतक नहीं असि कि दौड़ रहे हैं कितने वास्ते कर रहे हैं अत सुंदर बड़े सोहने सोहनी स्त्री चाहिए सोहने सोहना पुरुष चाहिए सोहनी स्त्री अत सुंदर कुलीन वड्डा कुल चाहिए पुत्र इस करके चाहिए कि साडा ना हो रहे कलगीधर पिता ने तो कभी यह नहीं कहा कि मेरे पुत्र जींदे रहन मेरा कुल बसे उते ये कह रहे ने माता साहब कौर नू माता सुंदर कौर नू जब सवाल होया 4 लाख कितने कहते इन पुत्रन के शीश पे वार दिए सुत चार चार मुए तो क्या हुआ जीवत कई हजार कभी सोच के देख इदा क्या जिस दिन साडे अंदर ए पैदा हो गया कि साडा पथ जिधर मर्जी जाए असी जीना है साडे बच्चे बच्चे रहन उस दिन तो साडी अवस्था हो गई लीडरां नूं दोष नहीं देना लीडर साडे विच मारे जो असी सोचदे हां ओही हो सकदे लस्सी विचों कदी मक्खण नहीं निकलदा दुध विचों मलाई मलाई चों मक्खण मक्खण चों घ्यो उत्साह उत्साह इसी करके कहा गया हर का विलोम ना विलोम मेरे भाई सहज विलोम जैसे
ਹੁਣ ਵੀ